अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2018-21 के BA BSc BCom पार्ट टू एग्जाम का वेट कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। PG सेमेस्टर 2, PG सेमेस्टर 3, BA प्रथम और सेकेंड वर्ष के छात्रों का जो भी लंबित परीक्षा है उसका आयोजन को ले क्या अपडेट है, चलिए जानते हैं विस्तार से। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। टेलीग्राम एक ऐप होता है, इंस्टॉल कीजिए, वहां पर सर्च कीजिए VKSU आरा ऑफिशियल। लगभग आपको 21,000 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे, वहां पर जुड़ जाइए। एक एक कॉलेज और एक एक विश्वविद्यालय का वहां पर सूचना डाला जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक और टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा, VKSU आरा स्टूडेंट हेल्प, वहां 7500 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे। वहां जब भी आपका एग्जाम आता है, एडमिट कार्ड आता है, रिजल्ट आता है, तो छात्र हित में ग्रुप को खोल दिया जाता है और छात्र एक दूसरे का हेल्प करते, तो वहां भी जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां से पेज को लाइक कर सकते हैं। VKSU और बिहार एजुकेशन से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए गूगल पर सर्च कीजिए STRESULT.com, STRESULT.com। के पेपर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लंबित परीक्षा असाइनमेंट के आधार पर ली जाएगी। VKSU लंबित परीक्षाओं के संचालन को लेकर रूपरेखा तैयार कर रहा है। परीक्षा विभाग के कई कर्मचारियों को परीक्षा की तैयारी के लिए टास्क भी दिया गया है। सोमवार को प्रभारी कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आने वाले हैं। परीक्षा बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय को अनुमोदन करने की चर्चा विश्वविद्यालय के गलियारों में चल रही है। परीक्षा बोर्ड की बैठक में अधिकांश परीक्षा असाइनमेंट के आधार पर लेने के लिए सदस्यों ने अपनी सहमति दी है। परीक्षा बोर्ड के सदस्यों के अनुसार विकट परिस्थिति को देखते हुए असाइनमेंट के आधार पर परीक्षा लेना इस समय उचित होगा। देखिए इसके बाद लिखता है, इस कड़ी में परीक्षा विभाग स्नातक पार्ट टू सत्र 18-21, पीजी सेमेस्टर 2 सत्र 19-21 और पीजी सेमेस्टर 3 सत्र 2018-20 की परीक्षा असाइनमेंट पर लेने के लिए अपनी रूपरेखा तैयार किया है। हालांकि कुलपति के अनुमोदन के बाद ही इस पर अंतिम मुहर लगेगी। यही वजह है कि परीक्षा विभाग के अधिकारी अभी लंबित परीक्षा के प्रोग्राम की जानकारी देने से हिचकिचा रहे हैं। इधर बीएड प्रथम वर्ष 20-22 एवं बीएड द्वितीय वर्ष 19-21 की परीक्षा को लेकर भी परीक्षा विभाग ने प्रोग्राम लगभग तैयार कर लिया है। अब सिर्फ कुलपति के अनुमोदन का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अगले माह से परीक्षाओं का दौर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही है। देखिए आज आपका कुलपति आने वाले हैं, जो भी प्रभारी कुलपति हैं, और उनका मुहर लग जाएगा। आज जो भी फैसला होगा कल आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे थे और पूछ रहे थे कि सर स्नातक पार्ट टू का एग्जाम कब होगा, पीजी सेमेस्टर 2 3 का एग्जाम कब होगा, बीएड प्रथम और सेकंड वर्ष का एग्जाम कब होगा। तो देखिए इस पर जो भी कमेटी बनाया गया वो अपना रूपरेखा तैयार कर लिया है। आज बैठक में VC इस पर फाइनल मुहर लगाएंगे, तो कल आपको वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। अनुमान है कि आपका लास्ट जून नहीं तो जुलाई में पार्ट टू का एग्जाम लिया जा सकता है। पीजी और बीएड का एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि जुलाई लास्ट में आपका लेगा VKSU वाला। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वीडियो को जितना हो सके छात्र हित में शेयर जरूर कीजिएगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का हर एक अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है।